मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। पार्सल काउंटर पर सारण खत्म होने पर पापा नाम के युवक ने ब्लेड से जुनैद खान के गाल पर वार कर दिया है, जिसमें जुनैद खान बुरी तरह से घायल हो गया और उसके गाल पर कई टाके भी लगे हैं। ये पूरा मामला मुमरा के बॉम्बे कॉलोनी के इदरीस भाई पार्सल काउंटर पर हुआ है। यहाँ पार्सल खाना दिया जाता है और इस पार्सल काउंटर पर काम करने वाले जुनैद खान ने बताया कि पापा नाम का एक लड़का अपने एक अन्य साथी के साथ आया और उसने एक सालन पार्सल करने के लिए कहा, मगर सालन खत्म हो गया था। जैसे ही उससे बताया गया कि सालन नहीं है, खत्म हो गया है, ये बात सुनते ही उसने ब्लेड निकाला और जुनैद के गाल पर वार कर दिया। हालांकि मुमरा पुलिस स्टेशन में जुनैद खान ने FIR दर्ज कराई है। पुलिस ने इस पूरे मामले में 326, 323, 504, 506, 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक बताया जा रहा है कि आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। इस पूरे मामले में जुनैद खान ने क्या कुछ बताया है, सुनिए। क्या नाम है आपका और आपके ऊपर ये हमला किसने किया, उसका क्या नाम है और आखिर क्यों किया, क्या वजह हुई थी? मेरा नाम जुनैद खान है, मैं यहाँ पार्सल काउंटर पे काम करता हूँ, जमीन सेट का बठियारा है। यहाँ पे वो आए सालन लेने, सालन नहीं था, ना होने के बावजूद उन्होंने वार किया। कौन वार किया, क्या नाम है? पापा नाम करके है, मतलब उनका नाम पापा पापा बोलते हैं। सालन लेने आए? सालन लेने आए। सालन आप नहीं दे रहे थे, क्या हुआ? नहीं नहीं, सालन था ही नहीं तो कहाँ से मैं ला के दूँ, मैं बोला मतलब सालन यहाँ पर था नहीं आपके, सालन था ही नहीं। तो फिर क्यों मार दिया उसने? अब वजह मालूम पड़ता तो फिर आपको सर बताता हूँ। कुछ ऐसा वजह नहीं? कोई वजह नहीं है। यानी सालन उसने मांगा और आपके यहाँ सालन नहीं था, उसने मार दिया? हाँ। किस चीज़ से वार किया? अब ब्लेड से वार किया। तो पुलिस में आपने FIR कराया? हाँ, FIR दर्ज कराया सर, कल ही करा के आया हूँ, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। पुलिस पकड़ी नहीं उसको? अभी तक पकड़ी नहीं है।